गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग मैम। स्टार्ट। बच्चों आज हम भाषा और व्याकरण के बारे में जानेंगे। भाषा, भाषा वह साधन है जिससे हम लोगों तक अपने विचारों तथा भावों को पहुंचा सकते हैं और उनके विचारों तथा भावों को समझ सकते हैं। यानी कि भाषा एक ऐसा माध्यम है जिससे हम दूसरों की बातों को समझते हैं और जो दूसरे बोलते हैं उनके भावों और विचारों को हम स्वयं समझते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? दो। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा मुख से बोलने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। मुख से बोलने वाली भाषा क्या कहलाती है? मौखिक भाषा। जैसे नेताजी बोलकर अपने मन की बात प्रकट कर रहे हैं, इस उदाहरण में नेताजी अपने बातों को तथा अपने विचारों को एक दूसरे से बोलकर समझा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मौखिक भाषा हो गई। भाषा का दूसरा रूप है लिखित भाषा। लिखकर अपने मन के भावों को प्रकट करने वाली भाषा लिखित भाषा कहलाती है। लिखकर अपने मन के भावों को प्रकट करने वाली भाषा क्या कहलाती है? लिखित भाषा। जैसे बालिका पत्र लिखकर अपने मन के भावों को प्रकट कर रही है। यहाँ पर एक बच्ची अपने विचारों को दूसरों तक पहुँचाने के लिए लिखने का प्रयोग कर रही है, इसलिए यहाँ पर लिखित भाषा का प्रयोग हुआ है। कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है? लिखित भाषा। हमारा भारत देश बहुत बड़ा और विशाल है, इसलिए हमारे भारत देश में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। हमारे भारत देश में लगभग 22 भाषाएं बोली जाती हैं। भारत की राजभाषा तथा राष्ट्रभाषा दोनों हिंदी है। हमारे भारत की राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों क्या है? हिंदी। हिंदी को लिखने के लिए लिपि, भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को लिपि कहा जाता है। भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को क्या कहते हैं? लिपि। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है और पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। अब हम थोड़ा सा व्याकरण के बारे में जानेंगे। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। हम बच्चों हम व्याकरण के माध्यम से शुद्ध बोलना शुद्ध लिखना सीखते हैं। नमस्कार। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। धन्यवाद।